हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द एक्टर्स वर्ल्ड। सबसे पहले तो जो अपना गैप बनाया है बीच में वीडियोस के, तो उसके लिए सॉरी, और पूरी कोशिश करेंगे कंसिस्टेंसी रखने के लिए वीडियोस में। तो आज का अपना टॉपिक है 10 थिंग्स वी शुड नॉट डू विद आवर एक्वेरियम। तो उसमें सबसे पहली लिस्ट पे आता है डू नॉट क्लीन फिल्टर एंड चेंज वाटर एट द सेम टाइम। क्या होता है, अपने एक्वेरियम में एक साइकिल होती है, इसका नाम होता है एक्वेरियम साइकिल, जो कि जिसमें होते हैं अपने बेनिशियल बैक्टीरियाज रहते हैं एक्वेरियम के पानी में, जिसको पूरा साफ करने से एक्वेरियम पूरे सारे बैक्टीरिया चले आते हैं। अगर वो फिल्टर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में रहते हैं बैक्टीरिया, तो कभी भी फिल्टर सेम डे में साफ ना करें, वो एक्वेरियम का कोशिश करें पूरा पानी भी चेंज ना करें, जिससे कि एक्वेरियम की साइकिल बनी रहे। तो उससे क्या होता है, उससे अपनी अगर अपन पूरा साफ कर देते हैं तो अमोनिया, अपने में बहुत सारी फिशेज रहती हैं एक्वेरियम में, तो उससे क्या होता है अमोनिया हाई हो जाता है एक्वेरियम में, और जिससे फिश की डेथ भी हो सकती है और कोई डिजीज भी लग सकती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि या तो आप 50% ऑफ वाटर चेंज करें या 75% वाटर चेंज करें, और फिल्टर उस सेम डे साफ ना करें, उसके नेक्स्ट डे साफ करें या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे साफ करें। सेकंड पॉइंट, डू नॉट यूज सोप एंड डिटर्जेंट इन योर एक्वेरियम व्हाइल क्लीनिंग। तो अपन को जब भी अपन एक्वेरियम साफ करते हैं तो सब अपन सोचते हैं कि अच्छा क्लीन कर जाएगा, मजा आ जाएगा, साबुन से साफ कर दो, कुछ भी डाल दो, हार्पिक डाल देते हैं कुछ लोग तो पागल। तो अपन को इसको ऐसा कुछ नहीं करना है एक्वेरियम के साथ, उसको सिंपली आप अगर आपको साफ करना है एक्वेरियम बहुत अच्छे से, तो विनेगर और सॉल्ट एज अ स्क्रबर एंड विनेगर एज अ डिटर्जेंट यूज करिए आप अपने एक्वेरियम में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्वेरियम में। तो अपन को ये यूज क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट और सोप्स में होते हैं केमिकल्स जो अपन साफ कर ले, चाहे इतना साफ कर दें अपन पानी से, लेकिन वो थोड़े बहुत केमिकल्स रह जाते हैं, जिससे कि अपनी मछलियों में दिक्कत आती है और डेथ भी हो सकती है, उनमें डिजीज बन जाती है उन केमिकल्स की वजह से एक्वेरियम में। इसलिए अपन को कभी ये कभी यूज नहीं करना है। थर्ड थिंग, डू नॉट प्लेस योर एक्वेरियम बाय योर विंडो। अपन को एक्वेरियम अपने विंडो के पास नहीं रखना है, क्योंकि वहां से सनलाइट आती है, और जो नेचुरल सनलाइट होती है उसके वजह से एक्वेरियम में क्या होता है, एल्गी बनती है, और अगर उसे एक्वेरियम में अगर एल्गी को नेचुरल सनलाइट मिल गई एकदम, तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, तो आपका एक्वेरियम पूरा ग्रीनिश हो जाएगा, पूरे में एल्गी लग जाएगी, आप उससे बहुत परेशान हो जाएंगे, फिर वो जाती भी नहीं है। इसलिए हमेशा अपन को आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन पे ही रखना है अपना एक्वेरियम, ना कि नेचुरल लाइटिंग में। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट यूज टैप वाटर विदाउट एनी वाटर कंडीशनर। मतलब अपन जो भी अपन पानी यूज करते हैं अपने एक्वेरियम में भरने के लिए, जैसे टैप वाटर हुआ या तो वेल का वाटर हुआ, वैसे अगर वेल है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वेल का वाटर यूज करें एक्वेरियम में, ना कि टैप का वाटर, क्योंकि टैप के वाटर में क्लोरीन वगैरह केमिकल्स वगैरह ज्यादा आते हैं। और अगर यूज भी कर रहे हैं वेल और टैप का दोनों का, तो उसमें सबसे पहले आप वाटर कंडीशनर डाल लीजिए, जिससे कि क्लोरीन वगैरह सारी अफेक्ट ना कर पाए अपनी फिशेज को। नाउ फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट एड ऑल योर फिश एट द सेम टाइम। अपन को सारी फिशेज एक बार में एड नहीं करनी है, क्योंकि अपना एक्वेरियम का जो फिल्टर होता है वो अपनी जो एक्वेरियम साइकिल है उसे मेंटेन करने के लिए काम आता है, जिससे कि बेनिफिशियल बैक्टीरियाज बने रहे, और जो अमोनिया बनती है एक्वेरियम में वो खत्म होती रहे, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उस अमोनिया को खाते रहे। तो अपन को जब अपन सारी फिशेज एक बार में ऐड कर देंगे एक्वेरियम में, तो अमोनिया बहुत तेजी से हाइक हो जाएगा पानी में, जो कि अपना फिल्टर नहीं झेल पाएगा, तो जिससे कि उन सब फिशेज की डेथ भी हो सकती है। ये होता है बहुत मोस्ट केसेस में होता है, क्योंकि जो शॉप्स वाले होते हैं वो बताते नहीं है लोगों को इस बारे में, उन लोगों को पता रहता है लेकिन बताते नहीं है अपने प्रॉफिट के चक्कर में। अब पॉइंट नंबर सिक्स, डू नॉट लीव योर एक्वेरियम लाइट्स 24/7 आवर्स। कभी भी एक्वेरियम की लाइट 24 घंटे अपन को नहीं खोलनी है, क्योंकि फिशेस भी रेस्ट करती हैं। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कि वो रात रात भर और दिन भर लाइट जलती रहने देते हैं, कहते हैं अच्छा लगता है एक्वेरियम जलती रहने दो, उसको हम नाइट लैंप के थ्रू यूज करते हैं, नाइट लैंप की तरह यूज करते हैं कुछ लोग, तो अपन को नहीं करना है, क्योंकि फिशेस भी रेस्ट करती हैं अपनी, अपन जैसे रेस्ट करते हैं रात में तो फिशेस भी करते हैं। अगर आपको ऑन करना है तो आप सुबह आइए, ऑन कर दिए, बेड पर जाते हैं रात में तब ऑफ कर दिया, तो टाइमर लगा दीजिए, इतने सारे गैजेट अवेलेबल है उसमें अमेजोन पर। पॉइंट नंबर सेवन, डू नॉट पुट डर्टी हैंड्स इनसाइड एक्वेरियम। अपन को एक्वेरियम के अंदर गंदे हाथ नहीं डालने, जब भी हाथ एक्वेरियम का कोई भी काम करो उसमें आप हमेशा धो अच्छे से पानी से, फिर एक्वेरियम के अंदर डालो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है अपने हाथों में केमिकल्स, परफ्यूम्स, क्रीम्स, ये सब लगे रहते हैं, तो जो कि अपन जब पानी में डालते हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में, और वो अपने फिशेस को हार्म करेंगे। पॉइंट नंबर एट,
नेवर इग्नोर मेंटेनेंस। अपन को अपनी एक्यूरम की मेंटेनेंस कभी इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि अपन अगर इस चीज में अपन थोड़े ढीले पड़ जाते हैं तो अपनी फिशेस को बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। मतलब वो अपन को नहीं पता, अपन तो बाहर ऑक्सीजन में बढ़िया फ्रेश एयर में, लेकिन उनके लिए पानी उतना सही है और वो उसमें भी अमोनिया का अगर हाइक हो गया तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमेशा टाइम टू टाइम अपने एक्वेरियम की मेंटेनेंस रखें, उसका पानी टाइम टू टाइम चेंज करें। पॉइंट नंबर 9, डू नॉट शो फ्लैश लाइट टू योर फिशेस। कभी भी फ्लैश लाइट अपन को अपनी फिशेस को नहीं दिखानी है, क्योंकि ये बहुत उनको अनाय करता है, उनको स्ट्रेस में लेके आता है कि अपन अगर आप अपने आप के सामने फ्लैश लाइट रखते हैं तो आप भी बहुत अनाय हो जाते हैं और गुस्सा सी आती है जो भी आपके ऊपर एक कर रहा होता है, तो अपन को उनके ऊपर भी नहीं करना। बहुत लोग आते हैं, मैंने देखा है फोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन करके करते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है फिशेस को। डू नॉट इग्नोर एडल्ट साइज, ये पॉइंट नंबर 10 है। डू नॉट इग्नोर एडल्ट साइज ऑफ योर एक्वेरियम फिश ऑफ योर एक्वेरियम। जब भी अपन न्यू फिश लेते हैं तो उसका कभी भी साइज इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि समझो आप एक ऑस्कर ले रहे हैं और आपके पास एक्वेरियम है अबाउट 1x1 फिट का, तो आपके लिए वो फिश बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी, क्योंकि उसके ऑस्कर का टैंक का मिनिमम साइज 3 फिट होता है। तो अगर जब आप उसको खिलाओगे फीड करोगे तो फिर वो टाइम के हिसाब से बड़ी होगी, टाइम के हिसाब से बड़ी होगी तो उसके लिए वो एक्वेरियम छोटा पड़ जाएगा, जिसमें वो अच्छे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमेशा जब भी आप एक्वेरियम खरीदें और फिश लें तो उस एक्वेरियम के साइज के हिसाब से ही फिश लें कि वो उसमें सही से बड़ी हो पाएगी कि नहीं। तो यही थे आज के 10 पॉइंट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय फ्रेंड्स।